आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लाब्दी इंथैल्पी। थोड़ा इन शब्द को समझिए, ये क्या है इलेक्ट्रॉन लाब्दी इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इंथैल्पी शब्द का मतलब मैंने बताया है, इंथैल्पी का मतलब होता है ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। इंथैल्पी केमिस्ट्री में यूज होने वाला एक पद है और इसका भाव होता है हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के मान में परिवर्तन। परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं डेल्टा से। डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है। मान लीजिए जब कोई सिस्टम कार्य करता है या सिस्टम पर काम किया जाता है तो पहले ऊर्जा कुछ और होती है, बाद में ऊर्जा कुछ और हो जाती है। तो पहले इनिशियल ऊर्जा जितनी है और फाइनल जितनी हो गई, जैसे मान लीजिए अभी किसी चीज पर काम किए उस समय 300 जूल ऊर्जा थी इनिशियल, बाद में काम करने के बाद ऊर्जा या तो उसकी बढ़ जाएगी या ऊर्जा उसकी घट जाएगी। फाइनल ऊर्जा अगर बढ़ गई तो हम लोग चेंज निकालेंगे, कितना चेंज हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करते हैं, नहीं जी, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अगर अंतिम वाला ऊर्जा ज्यादा है और शुरू वाला ऊर्जा कम है तो ज्यादा में से कम घटाइएगा तो धनात्मक आएगा, और अगर अंतिम वाला कम है और शुरू वाला ज्यादा है तो कम में से ज्यादा घटाइएगा तो ऋणात्मक आएगा। जैसे मान लीजिए कि ए हमारा सिस्टम है और ए बी तक गया, इसकी इनिशियल एनर्जी जो है वो 100 जूल है, कितनी है, और इसकी फाइनल एनर्जी कुछ समय के बाद फाइनल एनर्जी जो है 150 जूल हो गई, कितनी हो गई। तो बताइए डेल्टा एच यानी हीट एनर्जी या एनर्जी कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 150 माइनस 100 कितना हो गया भैया, 50 जूल आ गया। धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक की ऋणात्मक। तो जो चेंज है, जो चेंज निकला है, ध्यान समझिएगा, जो चेंज निकला है अगर धनात्मक हो गया इसका मतलब कि पहले 100 था अब 150 हो गया, इसका मतलब कि 50 जूल ऊर्जा का इसने अवशोषण किया है। बोला या ना, तभी ना बढ़ा हो, 50 जूल ऊर्जा का अवशोषण करेगा तभी ना बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक कहानी कहूं कि बी है, बी से अगर मान लीजिए ए सी बन गया और यहां पर एनर्जी इसकी जो थी वो 100 जूल हो गई, कितनी हो गई, और यहां फाइनल ऊर्जा जो है इसकी 50 जूल हो गई। तो बताइए अगर आपको डेल्टा डेल्टा एच या डेल्टा ई निकालना है तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 50 माइनस 100 यानी माइनस 50 आ गया, माइनस 50 जूल, ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक कब होगा, जब फाइनल वाला कम होगा और इनिशियल वाला, और शुरू में ज्यादा था बाद में कम हो गया, इसका मतलब कि 50 जूल इसने त्याग किया है। जब भी कोई सिस्टम ऊर्जा का त्याग करता है तो जितनी ऊर्जा त्यागता है वो डेल्टा एच या डेल्टा ई के नाम से जाना जाएगा और यह माइनस साइन के साथ दिखाया जाता है। और जब कोई सिस्टम ऊर्जा को प्राप्त करता है तो यह प्लस साइन के साथ दिखाया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो जब ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा तो यह ऊर्जा धनात्मक होती है और इसे प्लस साइन के साथ दिखाया जाता है। और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा निकालेगा, तो यह ऊर्जा निकली हुई ऊर्जा माइनस साइन के साथ दिखाई जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जब इतनी बातें बच्चों को समझ में आ गई, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो थोड़ी सी कुछ बातें और समझ लीजिए, तब हम आते हैं इंथैल्पी पर। देखो बेटा इंथैल्पी चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लाभदी इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, गेन मतलब प्राप्त करना, लाभ लेना, लाभ हो जाए किसी चीज का। जैसे मैं कहता हूं कि आज मुझे मार्केट में सब्जी खरीदते समय 20 रुपया का लाभ हो गया, मतलब 20 रुपया हम प्राप्त कर लिए, हाँ या ना। तो लाभदी का मतलब गेन ही होता है, इंथैल्पी का मतलब इंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन भाव वही है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एफिनिटी एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है किसी के प्रति लगाव, मोह, मोहब्बत, प्यार, दोस्ताना, ये सब शब्द जो है एफिनिटी का मतलब होता है। बंधुता, जैसे कहते हो कि मुझे चीनी से ज्यादा एफिनिटी हो गया है यार, मतलब चीनी के प्रति लगाव मेरा क्या है, ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या करें, कुछ भी करें, कसम खाते हैं नहीं छूटता है, अंडा हम बड़ी खाते हैं, अंडा से इतनी एफिनिटी हो गया क्या, किसी को सोने, किसी को आदमी के साथ एफिनिटी होता है। जैसे होकर हो गया, कहता है क्या करें, होकर संग बड़ा एफिनिटी हो गया है, मन नहीं मानता है, तरह तरह के बात होती है। भावना समझ गए कि नहीं समझ गए,
एफिनिटी का मतलब किसी से प्यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन के साथ दोस्ताना, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये तो मैंने पद समझाया, ये पद कहां यूज होंगे, किस स्थिति में पद होंगे, दोनों का भाव एक ही है। इलेक्ट्रॉन लाभदी इंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को लाभ लेने पर, ग्रहण करने पर निकली उष्मा या उत्सर्जित ऊर्जा। आई देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति कितना मोहब्बत है। मान लीजिए कि हमको अगर किसी चीज के प्रति ज्यादा मोहब्बत है तो ओकरा के ग्रहण करने के बारे में ज्यादा सोचेंगे, और जेकरा प्रति कम मोहब्बत है ओकरा के ग्रहण करने के बारे में, जैसे वो लड़का मान लीजिए वो लड़की से प्यार करता है, मान लीजिए कुछ समय के लिए, अरे हल्ला मत कर, तो जितना गहरा प्यार होगा ओकरा खातिर छौक के चल जाएगा, हाँ या ना हो। ऐसे लड़का को कह दिया जाए कि 6 बजे 7 बजे क्लास करने के लिए आइए, तो लड़का भोर में 5 बजे आइए क्लास करने के लिए, 4 बजे आइए, तो कहेगा कि ना सर रास्ता में बड़ा कुकुर काटता, कहेगा कि नहीं कहेगा। लेकिन अगर 12 बजे रात को ओकर फोन आ गया तो तड़प के चल देगा, आए आगे छोड़ पिछवे से चढ़ जाएगा ओकरा घर में। तो ये है एफिनिटी, ये है मोहब्बत, ये है, तो बात को समझिए। तो अब कुल कहानी समझ, तू लोग सब समझदार है, ये है तेज है लड़का है, उतना थोड़ा समझाना है। मान लो है नाभिक है, ठीक है, तने रह लोग तने शांत रह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमेशा एक के रंग के भाव मत रखो। मान लीजिए कि है नाभिक है, कहो नाभिक है और हई इसकी कक्षाएं हैं। कक्षा का मतलब ये अंदर में कक्षा होगा, और हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बाहर वाला कक्षा है, ठीक है। तो बाहर वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी होगा कि नहीं होगा, तो चलो हम सांकेतिक रूप से कुछ इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। हाई है अनंत कक्षा, क्या है अनंत कक्षा, अनंत कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु है, बाहर में कोई एक इलेक्ट्रॉन वेट कर रहा है कि आई एम वेटिंग, यू आर बुलाइंग तो आई एम कमिंग। ये अंग्रेजी है मेरा, समझ क्या है, तनी बात को समझिए। अब भाई टुकुर टुकुर ताक रहा है, सोच रहा है कि हम हूँ हेजगा आ जाए, कहो हाई परमाणु है, परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो परमाणु रेडायन बनता है, क्या बनता है, बनता है ना, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन मंगा लेगा तो सीएल माइनस होगा कि नहीं होगा। अब भाईयो चाह रहा है कि हम हूँ ये आए, तो एक बताओ इसको बुलाने वाला कौन है, केवल नाभिक, और भाई माइनस है तो माइनस को कौन प्यार करता है, प्लस है ना, तो एक के बुलाने वाला इस सिस्टम में कौन है, केवल नाभिक, नाभिक ना। और नाभिक क्या है, दुनिया में फिजिक्स का नियम है, जान ले अगर कोनो प्लस है ओकरा कतनो घेराबारी करके रख, ओकर प्यार करना आदत है, माइनस को जब करेगा तो दुलारे करेगा, का हो वही खातिर बनले है। प्लस किसके लिए बना है, कि हम माइनस को प्यार करेंगे, मर जाओ कर जाओ कुछो कर दो, है ना, कतनो घेर कर रखो, घेर कर रखने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वाले एक घेर कर रखता है, शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, कतनो एक घेर लो, घेराबारी कर लो, लेकिन ये प्यार करने से रोकेगा का ना, करते रहेगा, ये बात है मान के चल। तो एगो मात्र एक लग रहा है अनंत कक्षा पर है, अब इन एक लग रहा है कि हमको केवल नाभिके खींच सकता है, तो चलो एक नाभिक खींचियो रहा है, देख ले नाभिक एक आकर्षण बल से एकरा के खींच रहा है, एकरा मोहब्बत में ही आना चाहता है खिंचा करके, आएगा कि नहीं आएगा। आ तुम लोगों को तो एक बात मालूम है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होती है, अनंत कक्षा की। आ जैसे जैसे नजदीक आओगे ऊर्जा निकलती है कि नहीं निकलती है, तो ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मान लो एक काल्पनिक रूप से, वैसे तो एक ऊर्जा जीरो होता है, लेकिन मान लो अभी काल्पनिक रूप से मान लो एक ऊर्जा 100 जूल है, जहां आना है अगर ऊर्जा कम ना होगी हो, अंदर के कक्षा का कम ना होती है, तो मान लो अगर 100 जूल है इसका 20 जूल, तो अभी इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है तो एक पास 100 जूल ऊर्जा है, 100 जूल है ना, आहेजगा आना है जहां वहां कितनी है, तो बताओ यहां से यहां आने के लिए उसको 100 जूल ऊर्जा त्यागना पड़ेगा, त्यागना होगा कि नहीं त्यागना होगा। याद रखिएगा जब भी आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन अंदर के कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, क्या करेगा, तो बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन जब जाएगा यहां पर जाएगा तो ऊर्जा का त्याग करेगा कि नहीं त्याग करेगा, बोलो ऊर्जा निकलेगा कि नहीं। तो जितना ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उष्मा उत्सर्जित होगी, उसी को कहते हैं डेल्टा ईजी एच कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ये आयनन ऊर्जा के उल्टा है कि नहीं है, आयनन ऊर्जा में क्या था, ही हवा से ही हवा जाने पर जितना ऊर्जा
देनी पड़ती है उसको आयनन ऊर्जा। एकरा में अनंत कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मंगाने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, पिक्चर क्लियर है? तो लिखो ना, डायग्राम बना के भाषा लिखो खटाक से, वीडियो पहुंच करिए, समझा दें तो जल्दी जल्दी करो। चलो लिखो भाषा, लैंग्वेज लिखे तो लैंग्वेज लिखिए। ऊर्जा की वह मात्रा जो एक इलेक्ट्रॉन को अनंत कक्षा से किसी विलगित गैसीय परमाणु किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कक्षा में लाने पर उत्सर्जित होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। हो गया? एक दो बात थोड़ा सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोचक है, कारण मैं बताता हूं। देखिए भैया, हाई जो है ना डेल ईजीएच, इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन लाब्दी इंथैल्पी। अगर जितना मान होगा 100 मान होगा तो एकरो मान कितना होगा 100, दोनों का मान क्या होगा, क्योंकि बतिया एक है। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक तरह से बारीक अंतर बताया गया है। देखो जी बच्ची लोग, भाई इलेक्ट्रॉन लाब्दी इंथैल्पी आ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोनों एक बतिया है, दोनों का मनवा सेम है, लेकिन एगो बारीक अंतर है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नजर यहाँ रखिए। अरे उमा पढ़ रही है, अच्छा हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो उमा पढ़ रही है। देखा दोनों का मान है, मोट लगाए हैं, दोनों का मान यानी आंकिक मान क्या होता है जी, बराबर होता है। हाँ जी, परिणाम बराबर है। लेकिन एक बात बता देते हैं, डेल ईजीएच का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मान उतना ही रहेगा लेकिन क्या होगा, और अगर इसका मान ऋणात्मक होगा, ध्यान से समझिएगा, तो इसका मान क्या होगा। सवाल है क्यों। तो देखो, अगर यहां से यहां आने पर जितनी ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा हीट है ना, ऊर्जा निकलेगी किस रूप में, ऊष्मा के रूप में। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने पर जो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलेगी तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लाब्दी इंथैल्पी, यानी यह कहेंगे। और जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझिए, उष्मा के पद में, तो उष्मा क्या करते हैं, उष्मा यहां मान लो 100 जूल था, कितना यहां आने पर, कितना 60 जूल हो गया, मालूम है घटेगा। तो यहां से यहां तक जाने पर जो उष्मा निकली वो कितना निकला जी, फाइनल माइनस, तो 60 माइनस 100 है ना जी, कितना हुआ, -40 ना, नहीं शुरू में 100 था, अंतिम में 60 हो गया, तो कितना हो गया, तो ये जो ऊष्मा निकली वो हो गया माइनस में, बात समझिए। लेकिन अनंत कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, अंदर की कक्षा की ऊर्जा मानते हैं ऋणात्मक साइन के साथ। तो हाई मान लो, अगर चेंज निकालोगे, मान लो है जिया माइनस कितना जी, 60 हो गया, कितना हो गया -60, यहां क्या है 0, तो फाइनल है ना जी, -60 यहां पर है ना, तो यहां से 0 है, तो चेंज किसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। हम जब निकालते हैं डेल ई तो क्या करते हैं, अनंत कक्षा की ऊर्जा में से इसको क्या करते हैं, घटाते हैं ना। तो मान लो 0 माइनस क्या करते हैं, -60 करेंगे,
तो कितना हो जाएगा, प्लस 60 आ जाएगा। तो ये चूंकि ऊर्जा के पद में है और हम मानते हैं कि अनंत कक्षा की ऊर्जा जीरो है, अंदर की कक्षा ऋणात्मक होती है, तो जब हम अनंत कक्षा की ऊर्जा में से चेंज करते हैं तो वहां पर क्या आती है, धनात्मक वैल्यू। इसलिए ये मान हमेशा, ये बंधुता है, बंधुता कभी आपको ऋणात्मक नहीं होती। बंधुता मतलब मोहब्बत हमेशा क्या होती है, या तो होगी नहीं तो नहीं होगी, तो बंधुता हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब सामान्यतः पॉजिटिव होती है। तब उस कंडीशन में जरा देखिए कि ऊर्जा के पद में है इसलिए यह धनात्मक होता है, और युष्मा के पद में है इसलिए ऋणात्मक होता है। अगर ऋणात्मक धनात्मक, अगर ये धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, मान वही रहता है, बस इतनी सी बात है। तो भाषा लिखिएगा, एक लाइन लिखिए, लिए इलेक्ट्रॉन लाब्दी इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों है, यहां लिखो इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिमाण समान होता है, का परिमाण समान होता है, परंतु का परिमाण समान होता है परंतु चिन्ह विपरीत होता है। हो गया। अब चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं, हैंग डालिए तो लिख लो। देखने जा रहे हैं अभी के क्लास में कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनके वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी भी परमाणु की या आयन की बढ़ जाएगी या घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। आप लोग जितना लोग हैं, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, तो बाकी लोग सभी जितने भी लोग हैं जो YouTube पर देख रहे होंगे वो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब सब कर देंगे, बेल आइकन वगैरह सब बजा देना है, तभी ना काम होगा जी। अब तो देखिए काम की बात थोड़ा सा समझिए। अल्लाह वारक में थोड़ी सी बात समझिए। कारक पढ़ाने से पहले एक दो बात मैं आप लोगों को बता लूं, तब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। देखो बेटा, कारक बाद में, पहले थोड़ा सा इसमें सुनिए। यह परमाणु का नाभिक है, ठीक है, मान लीजिए कि यह बाह्यतम कक्षा है, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा, और ये अनंत कक्षा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। लड़की लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिए, यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा किसके मोहब्बत में, नाभिक के मोहब्बत में। अगर यह नाभिक के मोहब्बत के कारण यहां पर आएगा तो ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, है? लेकिन ये जब आ रहा था तो इस पर दो तरह के आकर्षण बल कार्य किए, इसके आने पर दो तरह के आकर्षण बल, दो तरह के बल लगे। एक नाभिक के तरफ से लगने वाला खिंचाव बल, हाजी, जिसके प्यार में पगला करके आना चाहता है, बोलो, और दूसरा इन लोगों का नफरती बल। नफरत करेगा कि नहीं करेगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण। जरा ध्यान से सुनिए लोग,
ये इलेक्ट्रॉन आना चाहता है नाभिक के आकर्षण के कारण। नाभिक वह चाहता है कि आओ भाई आओ, मालिक बुला रहा है, लेकिन उस घर में अन्य मेंबर हैं, देख रहे हैं कि यो माइनस तो हमारे नियन है, ढकेलो इसको, ये ढकेल रहे हैं। तो दो शक्तियां काम करती है, एक नाभिक का आकर्षण बल जो बाह्यतम जो अनंत कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को लाना चाहता है, अब बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो उसको आने से रोकना चाहते हैं, हाँ या ना। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के आने की दो कंडीशन बनती है, अगर प्यार करने वाले लोग ज्यादा हैं, यानी बुलाने वाले ज्यादा हैं, या नफरत करने वाले तो चलाएगा, बोलो, तब यहां से ऊर्जा निकलेगी, तब यहां से ऊर्जा निकलेगी। तो सामान्यतः अगर ये कोई परमाणु है, बात को समझिएगा, अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, पहला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये क्या बनेगा, ए माइनस, और यहां से हमारा ये जो है वो उत्सर्जित होगा, निकलेगा, क्या होगा, निकलेगा, और यहां ये का वैल्यू निकलेगा, जब ऊर्जा निकलेगी तो यह होगा क्या चीजी, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक, और यह नॉर्मली होता है, सामान्यतः कर देता हूं, सामान्यतः सुनिए, पहला इलेक्ट्रॉन कोई भी ग्रहण करता है तो उस समय तक पहला पहला मेहमान है तेरा घर में आएंगे, आरती लेकर के जिया जी आए हैं, अरे तो पहला इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आदमी आरती दिखाने लगता है, भाई आकर्षण क्यों, क्योंकि भले वगैरह में दो चार गो हैं जो चाहता है कि न आए, खाना बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, बोरे बोरे जग के चाय देना पड़ेगा, दो चार गो ना चाहे, लेकिन चूंकि पहला मेहमान है न चाहते हुए भी, सामान्यतः देखा गया है कि बड़ी कम परिवार होते हैं जहां पहला मेहमान आने पर विरोध होता है, ज्यादा विरोध होता है लेकिन मोहब्बत ज्यादा रहता है। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है कोई परमाणु तो ऊर्जा निकलती ही है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा धनात्मक ही होता है, क्या होता है, ऑलवेज नहीं, मतलब कुछ एक्सेप्शन है छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली ये मानकर चलिए कि पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है भैया, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब देखो अगर पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, ध्यान देना रे बेटा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, अब एगो और इलेक्ट्रॉन लाइन में लगल है, कह रहे कि भैया गया, हमहू आ रहे हैं पीछे से, हमरो को बुलाओ भाई, नाभिक तो प्यार करने वाला जीव है, तो तुहू आओ सबसे हम प्यार करेंगे, एक भाव तो ये होता है, हमरा के घेर लो चारों तरफ, छोटा मट्टा नियन कौन इलेक्ट्रॉन घेर लो, हमको जितने घेर लोगे उतने नीक घेराइल रहेंगे, मजे है, ये तो प्यार करने वाला जीव है जी, ये तो खिंचबे करेगा, लेकिन विरोध करने वाले की संख्या बढ़ गई, जब हई आ रहा था उजर का, देख रहे खाली हई दोनों विरोध कर रहा था, अब हई आ रहा है ब्लू का, तो तीनों उजर का मिलके विरोध करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, काहे हाँ दोनों तो हमेशा विरोध करेगा, पहले से हमारा घर में सोने बैठने के जगह का दिक्कत होगा, लेकिन हाई विरोध काहे करेगा, ई विरोध करेगा इसलिए क्योंकि सोच रहा है कि वो तो हम आए हैं, हमारे सेवा हो रहा है, जिया जी अकेले पहुंचे हैं, तुम्हारे साली लोग लगी हुई है ना, अब एगो और आ जाएंगे तो जिया जी का महत्व कम ना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे इहो कहता है, मतलब हाई दोनों तो विरोध करवे करता है, इहो विरोध करता है, इहो आने का विरोध करता है, तो इस समय याद रखिएगा, दूसरा का इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहता है तो आने का विरोध ज्यादा होता है, आकर्षण कमजोर पड़ जाता है, अप्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता है। तो यहां बनाना नहीं है, मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप ब्लुका वाला बना लीजिए, ब्लुका वाला को हम मिटा दे रहे हैं, नहीं समझे बात,
समझिए। आय रे दादा जा जा सुना, तोरा घर एगो मेहमान आए तो तोरा भोर में चाय बनाना हो, चलो एक आदमी खाना, एक आदमी के दो गो रोटी चार गो रोटी खाएंगे बना देना है, उतना विरोध नहीं होगा, मन नहीं है तब तो विरोध नहीं होगा। लेकिन सोच कि एगो और आने वाले है कल, तो मन में विरोध गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन आया था, पहला इलेक्ट्रॉन आया था तो विरोध किए थे लोग, लेकिन मालिक प्रभावशाली था इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो अब यहां पर आने के बाद तीन गो हो गया ना, अब दोबारा इलेक्ट्रॉन कोई लाना चाहता है, जरा देख लीजिए ये, तो एक तो इसकी घेराबारी बढ़ गई, ये मिल करके एकरा के घेर देंगे। तू चुपचाप रह, बोल मत, इन्हें बारे मत बोले, ये काम हम लोग को करना, बुलाता तू है काम हम लोग को करना पड़ता है। हाजी तो घेराबारी कर दिया, घेराबारी मतलब सीलिंग, और प्रतिकर्षण उच्च हो गया, और उसके तुलना में आकर्षण क्या हो गया, कमजोर। तो दूसरका बार जब इलेक्ट्रॉन कोई दूसरका आता है तो आकर्षण से ज्यादा क्या हो जाता है, तो देख ले जब हाई ए माइनस है, क्या है अब ई सोचता है, पहले से माइनस है, कोई इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ई सोचता है ए माइनस है कि एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेंगे तो अपने आप आएगा हो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखा कि अरे तेरी के एक बुला कमजोर रहा है, ढकेल ज्यादा रहा है, बुलाने वाले की शक्ति कमजोर है, ढकेलने वाले की शक्ति, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन आएगा हो। जौना घर में आपको कम मोहब्बत से बुलाई जा रही है, नफरत करने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां जाइएगा, वहां कब जाइएगा, अगर कोई ढकेल देगा जबरदस्ती तब जाइएगा। हाँ या ना, यहां ढकेलने का भाव क्या है, यहां ढकेलने का भाव है इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन को रॉकेट बनाकर भेजो, छेदते हुए जाए जबरदस्ती, यानी एकरा को ऊर्जा दो, इसको क्या दो, ऊर्जा देगो, तब यह ऊर्जा ले करके यहां तक जबरदस्ती पहुंचेगा, अपने आप स्वभाव में नहीं होगा कि आएगा, समझ में। अगर गर्म कर दो इधर के सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन तेजी से भाग रहा है, तब भले छेद के आ जाए जबरदस्ती, कोई दबंग हो अब करेंगे, क्या करोगे जी, वो अलग मैटर है, लेकिन अपने आप तो नहीं आएगा। अपने आप कहां जाते हो आप, जिस घर में आपको प्यार ज्यादा और नफरत कम मिले वहां जा सकते हो, लेकिन जिस घर में नफरत ज्यादा, घृणा करने वाले ज्यादा हो और प्यार करने वाले कम हो, वहां जाओगे क्या, नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो किसी के ढकेलने पर, जबरदस्ती करने पर जाओगे, तब यह इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आता है। यानी इस केस में अगर यह ए टू माइनस बनेगा तो ईए का मान तब धनात्मक नहीं ऋणात्मक हो जाएगा, हमेशा हर केस में याद रखिएगा, हमेशा। पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर सामान्यतः ऊर्जा निकलती है, क्योंकि उस समय तक प्यार ज्यादा होता है और नफरत कम होती है, लेकिन दूसरका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, यानी लेकर के तुम आओ ऊर्जा, तब तुम आ सकते हो हमेशा। और दोनों का मान अगर जोड़ दोगे, दोनों का वैल्यू अगर जोड़ दोगे, तो जोड़ने के बाद तनी बात को समझिएगा, मान लो हाई कट गई तो क्या हो गया, हाई परमाणु पारा पारी दो गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, पहला बार में ऊर्जा निकली है, तनी हे हता का लोग अब बेंच वापस सोत गिलु जा, ऐसा लगा था जैसे सोफा कहो तो एगो लगवा दे बेड ओड बढ़िया से चौचक, अगर पर आराम फरमाइएगा, ऐसा हो जाती है हमको समझ में नहीं आता है क्या करें। देखिए हर हाय रहा हेर देखा, हाँ ये परमाणु है, परापरी दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, पहला बार में ऊर्जा निकली है और दूसरा बार में ऊर्जा क्या हुई है, अवशोषित हुई है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ोगे तो परिणामी क्या होगा, परिणामी होता है ईए का मान क्या चीज ही ऋणात्मक होता है हमेशा हमेशा। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों को जोड़ देंगे तो देखा यह गया कि जितनी निकली है और जितनी अवशोषित हुई है, दोनों को जोड़ने पर अंत में पता चला कि कुछ न कुछ ऊर्जा अवशोषित ही हुई है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितना ऊर्जा निकलती है ओकरा से ज्यादा दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर
लेना पड़ता है, अवशोषित हो जाती है। इसीलिए अंत में दोनों को जोड़ने के बाद ऊष्मा अवशोषित ही होती है। केवल अगर निकलने की चांस है ऊर्जा तो कब, पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ही, बाकी हर स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन ही, अवशोषण ही होता है। इसलिए अगर तीसरा का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बताओ ऊर्जा का अवशोषण होगा कि उत्सर्जन? अवशोषण होगा। चौथा ग्रहण करेगा तो आगे सब अवशोषण होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा लोग, आप इस डायग्राम को, इस डायग्राम को बना लीजिए। बनाने के बाद तो मुझे पहले भाषा लिखिए, चाहे भाषा लिख करके बनाइए, लिखिएगा तो लिखिएगा। किसी परमाणु द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर सामान्यतः ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्योंकि नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कम होता है। परंतु द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर हमेशा ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट ये बढ़ जाता है। नाभिकीय आकर्षण से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जेड इफेक्टिव का मान घटता है, और जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसकी घेराबारी यानी शील्डिंग बढ़ जाती है। तो जब ज्यादा शील्डिंग हो जाएगी तो खींच नहीं पाएगा। आप लोग इसको और इसको ये तो बना चुके हो ना पहले डायग्राम जी, ये पहले डायग्राम नहीं बनाए थे तो इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, जल्दी करिए। तो जगह गबला के लिए वीडियो में बना ली। हाँ, समझे? अब कारक पर आते हैं, कारक पर, लाइन पर रहो। कारक में पहला कारक है परमाणु आकार, है ना जी, एटॉमिक साइज। चल हेडिंग डालो बेटा, लड़की लोग देखो तो बताओ तो, परमाणु आकार अगर बढ़ेगा, मान लो हाई एगो परमाणु है छोटी गो, हाई एगो परमाणु है बड़ा गो,
एकरो अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो आइल है आने के लिए, एकरो अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन है आना चाहता है। हाँ बताओ। देखो मेरे को एक बात बता, एकरो में ढकेलने वाले लोग हैं, एकरो में ढकेलने वाले लोग हैं, फर्क है खाली परमाणु के आकार का। बताओ कोना में इलेक्ट्रॉन सटक से आ जाएगा, छोटका में कि बड़का में? बड़का में। पगलाइल हो। कौनक में इलेक्ट्रॉन आने पर ज्यादा ऊर्जा निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कौना में ज्यादा होगा, जितने ऊर्जा निकलेगा जितने ऊर्जा निकलेगा उतने इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगा। ये सबको बताए ना हो, जितने ऊर्जा निकलेगा उतने ना इलेक्ट्रॉन बंधुता। आने पर मान लो एगो में आने पर 10 जूल ऊर्जा निकला, एगो में आने पर 100 जूल ऊर्जा निकला, तो किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा? 100 जूल वाले का। तो कौना में ज्यादा ऊर्जा निकली? छोटका वाला हम पूछो का है, छोटका वाला हम पूछो का है। एक तो इस एक ताकत ज्यादा लग रहा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है ना जी, तो जब ज्यादा ताकत लग रहा है तब मारेगा सट से आ जाएंगे ही हमारे से ही हमारा। और दूसरे की एगो बात बा कि जितने नाभिक के नजदीक जाओगे उतने नजदीक के कक्षा में जाओगे, और जितने नजदीक के कक्षा में जाओगे उतने ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। बोलो हाँ या ना? तो हेकरा में ऊर्जा ज्यादा निकलेगा, समझ में आया? तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। एकरा में दूर है, आई कछुआ क्या है? दूर है ना? तो अब मान लो यहां से चला और यहीं पर आ गया, तो थोड़ा ही दूर ना आया हो, तो दूरे के कक्षा में आया तो कम ऊर्जा निकलेगी नहीं निकलेगी? बोलो बोलो रे, नहीं समझे बात? अरे हाई देखो, हाई देखो, हाई मान लो पहला कक्षा, एकर ऊर्जा मान लो 10 जूल, एकर 20 जूल, एकर 30 जूल, एकर 40 जूल, ये काल्पनिक समझिए। हाई अनंत कक्षा, हाई अनंत कक्षा 100 जूल, बताओ तो अगर हेजिगा आएगा तो कितना निकलेगा? 90 जूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हेजिगा आई तो, हेजिगा आई तो, भाव समझ में आ गया? क्या समझे? क्या मेरी बात समझी? नहीं समझी? तो सुन ला, अच्छे बताओ, परमाणु का आकार छोटवार होगा तो इलेक्ट्रॉन सटसटा के आएगा तो फाइन ऊर्जा ज्यादा निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा होगी, छोटका परमाणु का कि बड़का परमाणु का? तो बताओ, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, और परमाणु का आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, और आकार घटने से इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो समानुपाति की व्युत्क्रमानुपाति, व्युत्क्रमानुपाति ना। तो एकर मतलब क्या हुआ? एकर मतलब ये हुआ कि जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो व्युत्क्रमानुपाति होता है। भाषा लिखो, लिखे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाति होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाति होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाति होता है। तीन बार बोल चुके, हम नहीं बोलेंगे। अर्थात अर्थात परमाणु आकार बढ़ने पर, अर्थात परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तो आप लोग ऐसे बना लीजिए, सुनो, यहां ये है, यह व्युत्क्रमानुपाति हो गया क्या? परमाणु आकार के, बोल हाँ या ना? तो इसको बनाओ जल्दी से। अब दूसरा कारक देख रहे हैं, कारक नंबर सेकेंड, सेकेंड कारक क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको लिखेंगे जेड इफेक्टिव। बताओ रे, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में क्या कहना चाहते हो?
हाय देख सही बोला बच्चा, हाय मान लो इलेक्ट्रॉन है, हाय अनंत कक्षा में है, ये आना चाहता है, हेकर खींचने की ताकत जबरदस्त है भाई, करे नाभि का प्रभाव अगर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनों पर, नाभि के आवेश का प्रभाव अगर इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा होगा तो जेट इफेक्टिव का मान बढ़ेगा कि घटेगा? जेट इफेक्टिव क्या है? नाभि का कितना प्रभाव है अपने बच्चों पर, है मम्मी है, और मम्मी कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, यह होता है जेट इफेक्टिव। बच्चा मतलब इलेक्ट्रॉन और मम्मी मतलब नाभिक, नाभिक अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करेगी तो जेट इफेक्टिव का मान क्या होगा? मतलब नाभिक का जितना ज्यादा है वो प्रभाव होगा, उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? तो बताओ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अगर बढ़ेगा तो इसको सकसटाई के खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? कहो जेट इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, और जेट इफेक्टिव घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा। जेट इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, और घटने से, तो जो बढ़ने से बढ़े या घटने से घटे तो समानुपातिक व्युत्क्रमानुपाति समानुपाति होगा। तो चल बेटा ये बात याद रखिएगा, तो लिखो ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए आप लोग एक काट दीजिएगा, लिखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता जेड इफेक्टिव के समानुपाती होता है। तो आप लोग ऐसा कर लीजिए, आई ये है ना समानुपाती हो गया किस चीज के? जेड इफेक्टिव के। चलो बना लो लोग, तब तीसरा कारक पढ़ा रहे हैं खटाखट खटाखट, तीसरा यहां बता दे रहा हूं, देख लो थर्ड नंबर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सीधा बैठा, ए हीरो सीधा बैठा बच्चा, हाँ बैठिए और लिखिए, पिछवा वाला पर जगह नहीं है, आप जानबूझ के उधर मुड़े हैं ओकरा से बतियाने के लिए। अरे अगर कह रहा है कि जगह नहीं है, उस स्वभाव में टेढ़ मेढ़ बैठबे करते हो, शुरू से आदत है। देखो इधर अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो तनी हमारी बात सुनिएगा, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कह रहे हो, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब समझे पूर्ण भरे हुए ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर का मतलब उपकक्षा, जैसे एस में 2, पी में 6,
डी में 10 और एफ में ए पूर्ण भरे हुए हैं और अर्ध भरे हुए, अर्ध भरे हुए ऊर्जा स्तर जैसे पी में 3, डी में और एफ में ए अस्थाई है। तो कहना यह है, कुछ समय के लिए इतनी बात को समझिएगा, कहना यह है कि अगर ये नाभिक है और ये कक्षा है जहां इलेक्ट्रॉन को आना है, कहां से आना है? अनंत कक्षा से। बात समझना बॉयज एंड गर्ल्स, इस इलेक्ट्रॉन को यहां आना है और यहां का वातावरण क्या है? यहां का वातावरण ऐसा है, या तो सारे सीट बाय, कहां आता है इलेक्ट्रॉन? अनंत कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो कहां आना है? संयोजी कक्षा में। अगर संयोजी कक्षा में सारे सीट फुल हैं, यानी पूर्ण भरे हुए हैं, तो बताओ आने वाला इलेक्ट्रॉन का विरोध बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? कोई आ रहा है और घर में पता चला कि सारे बुक हैं सीट, सब लोग सोए हुए हैं, एक भी सीट खाली नहीं है, अगर एकाध को खाली है तो भाई आने दो, एडजस्ट हो जाएगा। तो पूर्ण भरे हुए ऊर्जा स्तर अगर यहां है, जहां आना है वहां, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध होगा कि नहीं होगा? तो जितनी ऊर्जा निकलनी चाहिए उतनी ऊर्जा निकलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाएगा। मान लो एक और बात थोड़ी समझ लीजिए कि मान लीजिए है पी है, एकरा में पहले ही से 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों दोस्त है, यार है, तीनों दोस्त है ना, सिंगल है, पी में 3 है मान लो, एक में तो सीट खाली है ना, हो 6 भर सकता है, लेकिन तीनों कुआर लड़का है, आएगो और आनी चाहती हैं बाहर से, हाँ आना चाहती हैं, तो पहले बताइए ये आने देगा तीनों? काहे नहीं आने देगा? शांत मन से तीनों कुआर लड़का था, अस्थाई रूप से जी रहा था, अगर ये आ जाएंगी तो इन लोगों में विद्रोह हो जाएगा ना हो, पहले तो यही बात का झगड़ा होगा कौन करेगा कौन नहीं करेगा बियाह, हाजी है, आ जो बियाह कर लेगा ओकरा से कट्टीस नहीं हो जाएगा, कट्टीस हो, इसलिए तीनों कुआं रहना चाहता है, यानी अर्ध भरे हो, पी में 3 है तो 3 रहना चाहता है, या तो बियाह होगा तीनों का तो 6 हो जाएंगे सीधे डबलिया जाएंगे, तो रहेंगे तो तीनों कुआर, यानी अर्ध रहेंगे, पी में 3 रहेंगे तो 6 रहेंगे, तो एक अस्थाई होता है, डी में 5 नहीं तो, अरे तो 7 नहीं तो, या तो अकेले अकेले कुआर रहेंगे या डबली आएंगे, ये बात होता है। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो अस्थाई तो भंग होगा कि नहीं होगा? इसलिए सिचुएशन किसका, तो सुनिएगा बात को, जहां इलेक्ट्रॉन आना है वहां का माहौल भी मायने रखता है। आप ठीक है, लोग इज्जत कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, लेकिन अंतिम में जाते समय आदमी सोचता है कि रात को जा रहे हैं, जाड़ा में अक्सर सोचता है आदमी स्टेशन पर है, स्टेशन पर रुक जाएगा उनके घर, मान लो पटना गए रात के 11-12 बजे पहुंचे, अब एगो है मित्र रहते हैं पटना में परिवार के साथ, वो बोले थे कब हूं कि हमारे यहां आइएगा तो फोन कीजिएगा, हम आपको रिसीव कर, कोई दिक्कत नहीं है, है जाड़ा का दिन, समझदार व्यक्ति, जाड़ा का समय है भयंकर, 11-12 बजे स्टेशन पहुंचे तो फोन करने के लिए सोचोगे का गर्मी है नहीं कि छत पर है रोज सो जाएंगे, जाड़ा का सीजन समय है, रजैया होगा कम कहो या दिक्कत होगी, बेड होगा, ऐसे तो भाई जमीनों पर बिछा के गर्मी रहेगा तो सो जाएंगे, कैसे को एडजस्ट करना रात बिताना है, लेकिन जाड़ा में तो कैसे काम नहीं चलेगा, कहीं हमको सुलाने के चक्कर में वो न भुइया सो जाए, तो आदमी फोन करता है जल्दी नहीं ना। अब यही बात देख, हाई है पूर्ण भरा हुआ हाई है क्या, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें आने में दिक्कत होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन माहौल मिलाता है कि वहां का माहौल क्या है, अगर अस्थाई माहौल है पूर्ण भरा हुआ है अर्ध भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा हो, तो जितनी ऊर्जा निकलनी चाहिए उतनी ऊर्जा निकलती, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाता है, कब, जब किसी परमाणु के संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई होता है, लिख डालिए भाषा,
जब किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई होता है, अस्थाई तो अनंत कक्षा से इलेक्ट्रॉन आने पर अनंत कक्षा से इलेक्ट्रॉन आने पर ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने के कारण इनका अस्थायित्व भंग होता है। यह आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है, इसको हम लोग देखते हैं। इनका अस्थायित्व भंग होता है क्या? हाँ, अपवाद आएगा, हम लोग देखेंगे। अब शुरू कर रहे हैं, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, सारे स्टूडेंट कॉपी कर लीजिए। करने के बाद हम लोग देखेंगे, अब आवर्त सारणी में ट्रेंड देखने जा रहे हैं, यानी हम ये देखने जा रहे हैं कि आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारा अगला हेडिंग होने जा रहा है आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको ईए लिखेंगे, ईए का क्रम। अंग्रेजी में लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ईए, ईए मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीटी, पीटी मतलब केपीटी, हम पीटेंगे ढेर चलाक मत बन, यहाँ अधिकार खाली हमरे को है पीटने का, ऐसा कहो तो डेमो दिखा दे ही ना है रोटी, हाथ खाओ, पानी नहीं दिलाएगा। तो याद रखो, कोई भी महिला पर अगर हाथ उठाया तो अपने मौत को बुलाया, तो भोजन पानी बिना ऐसा ही मर जाएगा नहीं जी। ऐसे भी नारियों का सम्मान करना चाहिए इस देश में, यत्र नारियस्ति पूज्यते तत्र रमन्ते देवता कहा गया है। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, ये कहा गया है। लेकिन ना कभी कभी ढेर पूजा करने पर घबरा जाता है। चल देखे यहां पढ़ाई पड़ी है। अरे नारी कहां नहीं है भाई, अभी है जो चंद्रयान छोड़ा गया है ना, चंद्रयान 3, एकरो में महिला वैज्ञानिक लोग काम किए बहुत। अब मिशन मंगल था ना जी, मंगलयान मंगल में भेजा गया था, मिशन मंगल, तो ओकरा में फिल्मियों में नहीं देखो अक्षय कुमार के विद्या बालन रहती है, बहुत बड़ वैज्ञानिक रहती है, तो ये बात मत समझ, बहुत आगे है। आ तुमको मालूम है कि कल्पना चावला भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, नशे में हो गई थी अंतरिक्ष में, रिस्क कितना, जिगर का कितना पोर थी, अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, करिया है सब, आ उतना दिन तो कुमार रहना है,
तोरा के एक दिन केवल एक कमरे में बिना किसी दर्श को अंधेरा करके एक दिन तुमको कमरे में बंद करके रख दिया जाए बिना मोबाइल नो मोबाइल तू तो पहले अंजोर में तोरा के मोबाइल तो छीन लिया जाता ऐसा ही मर जाएगा। आदमी को आज के समय मुआना है ना ओकर मोबाइल छीन लो मुँह जाएगा है ना जी। पहले क्या था पहले क्या था पापा कहते थे पढ़ता लिखता नहीं है चल बकरी चराओ खरीद देते हैं भैंस का डाल। आजकल मम्मी पापा क्या कहते हैं नहीं पड़ेगा मोबाइल छीन लेंगे लड़का डर जाता है आई दादा समझे आई देखो आवाज सारणी में ई एक क्रम देखो और पढ़ाई हो आवाज सारणी में ई एक क्रम देखिए ध्यान से ऑर्डर ऑफ पहला हम बात करने किस चीज में वर्ग में देखे कि आवर्त में पहला देखते हैं क्या चीज आवर्त में बाएं से दाएं आवर्त में चलो भैया चलो हेड ग्राफ जल्दी फटाफट 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 आवर्त में बाएं से दाएं बताओ बाएं से दाएं जाने पर आकार का मान क्या होता है जी परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा तो घटेगा और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा बुलाया ना हमको मालूम है कि ईए का मान आकार घटने पर बढ़ता है जेड इफेक्टिव बढ़ने पर बढ़ता है तो आकार घट रहा है तो ईए का मान क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ रहा है तो ये का मान बढ़ना चाहिए अर्थात अतः मैं यहां लिख सकता हूं कि बाएं से दाएं जाने पर ये का मान बढ़ता है हो गया क्लियर है तो लिखो ना भाई बना करके आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है क्योंकि परमाणु आकार घटता है परमाणु आकार घटता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तकटाखट लोगों ने एग्जाम्पल देखो भाई पहले एग्जाम्पल देखा पहला जेड इफेक्टिव बढ़ता है आई आवर्तवन रे आवर्तवन में कौन कौन है हाइड्रोजन है और कौन है हीलियम है तो बाएं से दाएं जाने पर ये का मान बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा तो ये का मान तो किसका ज्यादा होना चाहिए हीलियम का क्या हाइड्रोजन का हीलियम का कंफर्म बोलो हीलियम का ज्यादा होना चाहिए कम हाइड्रोजन का ज्यादा हेकर कम हेकर ज्यादा जैसे जैसे बाएं से दाएं जाओगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का भाव बढ़ता है इसलिए हीलियम का क्या होगा लेकिन यहां हो गया उल्टा हीलियम का हो गया कम और हाइड्रोजन का ज्यादा पूछो कहे भैया इसके पीछे कारण ये है कि इकरा में है 1s1 और इसमें है 1s तनी हमारी बात सुनो बच्चा ये नाभिक है पहला कक्षा तो दोनों है हाइड्रोजन के पहला कक्षा में एस में एगुड़े है एकरा नाभिक में एस में कितना है भैया एकरा एस में डबल है बात समझिए हीलियम है ही है, का है हाइड्रोजन है एकरा घर में को कुंवार लड़का है एकरा घर में डबल है ये आराम से अस्थाई है अगर एक इलेक्ट्रॉन और ई मंगाएंगे तो क्या इमा रख सकते हैं
इनको रखना पड़ेगा सेकेंड ऑर्बिट में, बुलाया ना, आ एक खजली भैल अकेले है गो आ जाए, बताओ तो कौन आसानी से ग्रहण करेगा हो? हाइड्रोजन के हीलियम, एकरा का है दिक्कत है, एक पहला कक्षा भरल है, भरल ना हो, अगर कोई मेहमान आए तो ओकरा के नया कक्षा बनाना पड़ेगा। अगर तू ही एगो बात मान ले, तोरे घर में एगो मेहमान आए, अब मेहमान के लिए अगर नया नया अभी ईटा जोड़ के देवाल बनाना हो तो भाड़ में जाए ऐसा मेहमान, जनरली एगो नया घर बनाना हो मत आओ तू, अजी तो वही बात तो बताओ सुन ले। अक्रिय गैस अंत में होता है, अवसानी के अंत में होता है, अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण होता है NH2 NP6 होता है कि नहीं होता है? अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण होता है, हीलियम में एक कक्षा है और एक इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसलिए अक्रिय गैस में जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो इन उनके कक्षा में प्रवेश, बाह्यतम कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि अष्टक पूर्ण है। अगला इलेक्ट्रॉन आने वाला नया कक्षा में आता है, और जब इस इलेक्ट्रॉन को मंगाने के लिए एक नया कक्षा बनाना पड़े तो भाड़ में जाए ऐसे मेहमान, इसलिए अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इधर से इधर बढ़ने के बजाय बढ़ता तो है लेकिन अंतिमुआ में जाकर के क्या हो जाता है, घट जाता है। नहीं बात समझे? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त, आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या है, बढ़ता है, लेकिन अक्रिय गैस का सबसे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि अष्टक क्या है, पूर्ण है, अस्थाई है, वो इलेक्ट्रॉन को लेने नहीं चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कक्षा में आएगा, नहीं ओकरा के नया कक्षा बनाना पड़ेगा। हाई देखना है जीगा, आर्गन, आर्गन तीसरा कक्षा समाप्त, एक बार नया कक्षा आता है, आर्गन है ना तीसरा कक्षा जी, है 3s2 और 3p6 आर्गन में हुआ ना। अब ओकरा बाद अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन आएगा, चौथा में, तो अगला इलेक्ट्रॉन आओगे तो कौन कक्षा में रखना पड़ेगा, नया कक्षा बनाना पड़ेगा। तो अक्रिय गैस चाहता है, चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए याद रखिएगा इधर से पढ़ते जाएंगे अंतिमुआ में जब अक्रिय गैस हो जाएगा तो में घट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान का हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो याद रखिएगा हीलियम का कम हो गया, तनी आवर्त तो देखा है में। सेकंड नंबर एग्जांपल देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाई आवर्त दो, आवर्त दो देखो, आवर्त दो में तत्व बोलो लिथियम, हाई बेरिलियम में कुछ बात बा बताई का राज के बात बा है ना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में भी राज का बात बा, ऑक्सीजन फ्लोरीन हाई नियन में तो राजे राज है, राजा राजा है। देखे यार, देखो कहा राज की बात है बताते हैं, तेरे बात को सुनिएगा एकदम ध्यान से, कहे घेरे हैं इनमें होने वाली, ऐसे सुनो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, इसलिए इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ना चाहिए, बढ़ता है भी, लेकिन कई जगहों पर इस नियम का होगा उल्लंघन, कहे होगा देखो बताते हैं। होना यह चाहिए था कि लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी, बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा किसकी, बोरॉन से ज्यादा किसकी, कार होना चाहिए था, लेकिन तीन जगह पर गबड़ा गया, एक और इलेक्ट्रॉनिक, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना, चार, तो क्या होगा, हीलियम, पहले हीलियम लिख, 1s2 हो गया, और उसके बाद 2s, ये अस्थाई है कि अस्थाई, ये है अस्थाई, हमने बताया था ना जिसमें भरा हुआ होता है अस्थाई होता है, हेकर देखा हेकर सात होता है, तो हीलियम हो गया, तो अब बताओ बोलो 2s 2 2p 3, ये अस्थाई है कि अस्थाई, ये अस्थाई है, बोल दे बेटा समझ में आ रहा है, अगर बताओ नियन, नियन का हो गया हीलियम, क्या लिखे 2s2 और 2p6, देखो तो जरा ध्यान से देखो अस्थाई है कि नहीं, हाई तो महा अस्थाई है ना, है कि नहीं, यहां देखिए, तो यहां पर क्या है ना कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना बहुत कठिन हो गया,
क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2s2 तो हो गया, तो 2p1 में जाएगा तो अस्थाई तो भंग होगा कि नहीं होगा। यहां पर p में 3 गो है, p में 6 गो रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका अर्ध भरा हुआ से फिर अस्थाई हो जाए, अस्थाई हो जाएगा, इसलिए भी विरोध करेगा। हाई तो महापूर्ण अस्थाई है, पूर्ण अस्थाई क्यों है, क्योंकि इसके अष्टक भी पूरा है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरा कक्षा में नहीं, अब तीसरा कक्षा में जाएगा। तो मान लो ऐसा मेहमान जरा के आने से एगो नया कक्षा का निर्माण करना पड़े तो कोई आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। इसलिए अगर मैं क्रम पूछूं, ईए का क्रम देखूं, ईए का क्रम देखूं, तो ईए का क्रम जरा देख लीजिए, क्या लग रहा है आप लोग को, ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा कठिन इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कराना है, नियन में, क्यों, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होगा हुआ है और 8 इलेक्ट्रॉन है। आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो एक नया कक्षा का निर्माण करने है, दूसरा कक्षा में तो जाएगा नहीं, दूसरा कक्षा में तो अष्टक पूरा है, यह पीरियोडिक टेबल के अंत में होता है। अब जब शुरू से शुरू होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन नया तीसरा कक्षा में जाएगा, तो इस सबसे ज्यादा विरोध ये करता है, इसका अष्टक भी अपूर्ण हो जाता है और नया कक्षा का निर्माण करना रहता है, इसलिए आने नहीं देना चाहता। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे में नियन का हो जाता है, किसका हो जाता है, नियन का हो जाता है। नियन के बाद, नियन के बाद नाइट्रोजन का हो जाता है, नाइट्रोजन सेकेंड नंबर पर चला आता है, क्योंकि ये भी अस्थाई है और इसमें इलेक्ट्रॉन जाने पर विरोध करता है। उसके बाद आ जाता है बेरिलियम का, बेरिलियम का 3 गो तो हो गया, ये दोनों तीनों अस्थाई होने की वजह से इनकी इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम हो गई। अब रही बात, इन दोनों में तुलना कर लीजिए, ए वाला और ए वाला, अब क्रम वही होना चाहिए ना, कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ना चाहिए था। 3 वो तो एक्सेप्शन में हो गया, शुरू में सबसे कम हई, ओकरा बाद हई, ओकरा बाद हई। अब ये जो बाकी बच गए इनकी तो बढ़नी चाहिए, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन और है, क्या है एक्सेप्शन, कि हाई जो लिथियम देख रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बोरॉन से ज्यादा हो जाता है, एक कारण समझा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है बोरॉन, तब आ जाता है लिथियम, लिथियम आ जाता है, लिथियम का बढ़ गया, ये भी कारण समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। उसके बाद आएगा कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा फ्लोरीन। तो आपके पास इन लोगों के बाद एनियन है रे बेटा, एनियन है। आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि इन तीनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कारण, तीनों का कारण एक ही है, और क्या है, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहां सवाल है कि लिथियम का पहले होना चाहिए और बोरॉन का बाद में होना चाहिए, लिथियम का है डाका, तो इसके पीछे है अस्थाई होने की भावना। कुछ कुछ लोग इलेक्ट्रॉन को जल्दी मंगाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि पहले से है अस्थाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मंगा लेंगे तो हो जाएंगे अस्थाई, इसलिए लिथियम भी कुछ इसी तरह की घटना करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 और 2s1 है, देख रहे हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक को, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एस में तो एस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसकी सिचुएशन क्या है, इसके एस में केवल एक लड़का है, कुंवर है कि नहीं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ई मंगा लेता है, अनंत कक्षा से किसी इलेक्ट्रॉन को एक मंगा लेता है, ई मंगा लिया, तो मंगाने के बाद ई बन जाएगा लिथियम माइनस, और लिथियम माइनस होने का मतलब 1s2 और 2s2, यह क्या हो गया, ई है अस्थाई, क्या है, अस्थाई है। और जब इलेक्ट्रॉन मंगा लेगा तो क्या हो जाएगा, अस्थाई। तो इसको अस्थाई होने का ललक है, एकरा में इलेक्ट्रॉन देख लो, एकरा 2s में, 2s में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है इसे, तो इस शांत हो गया ना, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन मंगाने पर इसकी ईए का वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा जल्दी से चाहता कि आओ भाई हम अस्थाई हैं, इलेक्ट्रॉन आने के बाद हम अस्थाई हो जाएंगे, इसलिए ऐसा हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, इसीलिए जल्दी से खींचने के चक्कर में जोर से खींचता है इलेक्ट्रॉन को, जिसके चलते इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। अब वो बेरिलियम का क्या कंडीशन है, सॉरी बोरॉन का क्या कंडीशन है, बोरॉन का होता है 1s2, 2s2 और 2p1, ये अस्थाई है कि नहीं, अस्थाई है। देखो पी में एक इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन आना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, खाली एक इलेक्ट्रॉन है, और जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो खुद अस्थाई रूप में है। अगर यह इलेक्ट्रॉन को लेता है तो देखो कि क्या अस्थाई हो रहा है, यह बन जाएगा b-, इलेक्ट्रॉन हो गया 5 के बदला 6, तो 1s2, 2s2 और 2p में कितना हो गया 2, अभी भी क्या है,
अस्थाई है। तो दोनों का भाव समझिए, यहाँ पर ईए का मान उतना ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा कम में रह जाता है। क्यों कम हो गया? क्योंकि बोरॉन अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो बी माइनस बनाएगा, पहले भी अस्थाई अभी भी अस्थाई, तो इसको इलेक्ट्रॉन को लेने का उतनी चाहत नहीं है, लेकिन लिथियम को लेने की चाहत है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो डबल कर लेगा, डबल कर लेगा तो अस्थाई हो जाएगा, इसलिए इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, एकरा छटपटाहट ज्यादा है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेना चाहता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो बेरिलियम से ज्यादा हो जाती है, और यही कारण है कि यह बेरिलियम से आगे डाग जाता है और क्रम में बदला होता है। तो आप लोगों को ये क्रम याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन में क्रम बना करके आप लोगों को देगा, उल्टा पुल्टा क्रम कर देगा। तो अगर सही ज्ञान है एक्सेप्शन के साथ तभी आप सही कर पाओगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और समझ करके आगे रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट इसका अगला वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। बाय।